भारत और चीन सीमा पर हुए झड़प में शहीद हुए जवानों के लिए भारतीय युवा जन कल्याण समिति ने चीन के राष्ट्रपति का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में भारतीय युवा जन कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने बताया कि भारत और चीन सीमा पर हुई झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हो गए, जिससे पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, जिसको देखते हुए हमारे युवा समाज सेवी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाकर हाथ में चीन के राष्ट्रपति का प्रतीकात्मक पुतला और पोस्टर बैनर लेकर शास्त्री चौराहे पर संगठन के युवा कार्यकर्ताओं ने चीन निर्मित सामानों के बहिष्कार व चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंककर अपना आक्रोश प्रकट किया और सभी भारतवासियों से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और चीन निर्मित सामानों का बहिष्कार करने की अपील की है। इस मौके पर कुलदीप पांडे, आदित्य पांडे, विशाल मिश्रा, राजकुमार जायसवाल, अनूप पांडे, धीरज सहानी, मनोज कुमार, सर्वेश श्रीवास्तव, सत्यनारायण तिवारी, बबलू गुप्ता, पंकज कुमार कन्नौजिया, कमलेश प्रजापति, सोनू सिंह, अनिल कुमार, जितेंद्र तिवारी, आशीष मिश्र, अमरदेव चौरसिया आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय युवा जन कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने कहा, स्वदेशी सामानों का उपयोग करो, चीनी सामानों का बहिष्कार करो, चीनी सामानों का बहिष्कार करो, स्वदेशी सामानों का उपयोग करो, चीनी सामानों का बहिष्कार करो, भारत माता की, चीनी सामानों का बहिष्कार करो, स्वदेशी का उपयोग करो, स्वदेशी का उपयोग करो, स्वदेशी का, भारत माता की, भारत वीरों की। मेरा नाम कुलदीप पांडे है, मैं भारतीय जन कल्याण समिति का संचालक एवं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जो है हम लोग यहाँ पे शास्त्री चौक पे भारतीय जन कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा चीन विरोधी जो है नारेबाजी करते हुए चाइनीज वस्तुओं का त्याग करने, मतलब बहिष्कार करने और साथ ही साथ स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के संबंध में हम लोग जो है एक लघु रैली निकाला और साथ ही साथ हम लोगों ने जो है जनमानस को प्रेरित करने के लिए यह एक तरह से कार्यक्रम आयोजित किया कि जो हमारे देश के वासी हैं वो स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करें और चीन को जो है उसके जो भी व्यापारिक जो भी इधर लेन देन हो रहा है उसको आर्थिक स्थिति में उसको कमज़ोर बनाएं, उसको निर्बल बना दें कि जिस तरह वो षड्यंत्र करते हुए चला आ रहा है 3-4 महीनों से देखा जा रहा है। एक तो कोरोना वायरस जो कृत्रिम रूप से बनाया जो पूरे विश्व को एकदम त्राही त्राही कर दिया, साथ ही साथ अभी हमारे वीर जवानों को भी जो है इस तरह की वो आघात पहुँचाया, ये सारी उसकी घिनौनी की जो शर्मसार है उसका हम लोग आज विरोध किए हैं और ये विरोध प्रदर्शन करने के साथ साथ हम लोग उसको चेताना भी चाहते हैं कि अगर वो अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली समझ रहा है तो यहाँ भी भारत के जो है वासी जो है चुप नहीं बैठेंगे और इस तरह के आगे भी आंदोलन होते रहेंगे